जय श्री राम साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है। हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, रेगुलर आप तक हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, काफी सारी कॉल और मैसेज हमारे पास आ रहे थे यमुना अथॉरिटी सेक्टर 20 के लिए, जिसमें अलोटी जानना चाह रहे थे कि 300 स्क्वायर मीटर की जो एन पॉकेट है, और एन पॉकेट सेक्टर 20 की सबसे बड़ी पॉकेट है, जिसके अंदर लगभग 900 से ज्यादा प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है या नहीं कर रही, और वहीं अलोटी अपने हाउस के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं प्लॉट के ऊपर या नहीं कर रहे, तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। आज एन पॉकेट को डेवलपमेंट भी दिखाएंगे, और वहीं इस पॉकेट से जुड़ी हुई चीजें भी आपको ज्यादातर समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं यमुना सेक्टर 20 पॉकेट एन प्लॉट नंबर 530 के पास। आप देख रहे होंगे इसके साथ में हाउस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ है। साथियों, पूरी पॉकेट दिखाएंगे, पूरी पॉकेट के अंदर लास्ट तक लेके जाएंगे। 900 प्लॉट जहां तक लगे हुए हैं साथियों, पीछे जैसा आप जानते हैं 60 मीटर का रोड है, वहां तक भी लेके जाएंगे, और वहां से घुमाते हुए पी पॉकेट के साथ और एन पॉकेट, एल पॉकेट, सब चीज आपको कवर करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं एक बार देखने के लिए। तो साथियों, आपको हम लेके चलेंगे 530 नंबर प्लॉट की तरफ से। सबसे पहले 520 वाली सीरीज, जैसा आप देख पा रहे हैं ये 520 तक की सीरीज है, साथ में 18 मीटर का वाइल्ड रोड और उसके साथ लगी हुई पॉकेट है आपकी एम पॉकेट। जिन्होंने एम पॉकेट का अपडेट नहीं देखा है वो हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही अपडेट किया है एम पॉकेट का भी। साथियों, आप देख पा रहे हैं नीचे कि कई जगह पर अभी किसान खेती कर रहा है। ये आपका 18 मीटर वाला रोड चल रहा है जिसका पैच बीच में ब्रेक है। अभी हम चल रहे हैं आपका 79 नंबर प्लॉट से लेके 93 वाली जो सीरीज है। तो देखिए, ये प्लॉट मौके पे लगे हुए हैं मगर किसान यहाँ पर खेती कर रहा है। ये अभी हम आगे हैं, आपका डिवाइडिंग रोड है ये आपका, जो आपका प्लॉट नंबर 1 के पास लेके जा रहा है। अभी हम खड़े हुए हैं आपका 24 मीटर वाइल्ड रोड पर। साथियों, ये आपका 24 मीटर का वाइल्ड रोड है जहां प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4 की सीरीज जा रही 12 तक, और साथ में आपका जो प्लॉट है वो 67 से लेके 76 वाली सीरीज के है। तो 24 मीटर का वाइल्ड रोड जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके साथ लगी हुई पॉकेट एल पॉकेट है, एक साइड आपको के पॉकेट और एम पॉकेट देखने को मिलती है। साथियों, ये आपकी एल पॉकेट है। साथियों, सामने के पॉकेट, बीच में ये चौराया, आगे आपका एम पॉकेट और साथ में एन पॉकेट। साथियों, आज जो हम अपडेट कर रहे हैं वो एन पॉकेट का है, तो हम एन पॉकेट आपको पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी कॉल और काफी मैसेज इस पॉकेट के लिए हमारे पास आ रहे थे। साथियों, अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहां आपका प्लॉट नंबर 13 से लेके 25 और इसके साथ आपका 54 से लेके 66 की सीरीज जो है। तो देखिए, प्लॉट लगे हुए हैं, मार्केशन हो रखी है, कुछ जगह पे स्ट्रीट पोल भी खड़े करे हुए हैं, सीवर नाली का भी काम कुछ जगह पे हुआ है, मगर इस पॉकेट के अंदर अभी अगर हम बात करें तो ग्राउंड पर सबसे कम प्लॉट्स लगे हुए हैं साथियों, एन पॉकेट के अंदर। जैसा अभी आप जानते हैं, आज से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके तहत यमुना अथॉरिटी को अप्रूवल मिला है कि जल्द वो अपने काम ग्राउंड पर करें, चाहे वो रोड का हो या प्लॉट्स का हो, क्योंकि 2009 की ये अलॉटमेंट है, सबसे पुरानी अलॉटमेंट जिनके प्लॉट्स अभी भी अथॉरिटी को नहीं मिल पाए। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि विद इन 6 मंथ के अंदर प्लॉट्स लग सकते हैं। अब देखना ये होगा अथॉरिटी कितनी स्पीड से यहाँ पर ग्राउंड पर काम करती है। जिन लोगों की ये क्वेरी अभी तक आती थी हमारे लिए सेक्टर 18 और सेक्टर 20 या कहीं पर भी 22D के अंदर भी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो चुका है कि अथॉरिटी अपना काम करे, चाहे वो रोड के हों, सीवर के हों और प्लॉट्स के हों, सभी काम कर सकती है, सभी चीज डिस्प्यूट खत्म सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए हैं। तो साथियों, ये एक खुशखबरी है उन अलोटी भाइयों के लिए जो काफी लंबे समय से अपने प्लॉट का इंतजार कर रहे थे। अभी हम पहुंच चुके हैं आपके जो लास्ट तक सीरीज जा रही है साथियों, जहां आपके प्लॉट नंबर 832 से लेके 825, 833 से लेके 840, और वहीं अगर हम बात करें तो हम आछेपुर और चांदपुर के जो बीच की सीरीज है उसमें से निकलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, और अभी हम पहुंच गए लगभग ये मान के चलिए 933 से लेकर 940 वाली सीरीज के आसपास। ये लास्ट तक प्लॉट जो लगे हुए साथी वो ये प्लॉट्स हैं, देखिए जो आप देख पा रहे हैं, यहां तक ही काम अथॉरिटी अभी कर चुकी है, आगे किसान अपनी खेती कर रहा है, और इसके बैक साइड में
जो आपका 60 मीटर वाला रोड है वो भी कंप्लीट नहीं बना हुआ है, भी आप वहां से नहीं पहुंच सकते हैं। अथॉरिटी काम कर रही है ग्राउंड में, मगर बहुत धीरे धीरे स्लोली काम चल रहा है। देखिए सीवर का काम आप देख पा रहे हैं, ये अभी जो प्लॉट्स हैं साथियों, ये प्लॉट्स उन लोगों के हैं जिनकी सीरीज 998 से लेके 105 और 997 से लेके 990, 980 से लेके 989 और 978 से लेके 970 तक की सीरीज, ये उन लोगों के प्लॉट्स थे। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं ये विलेज जो है ये चांदपुर विलेज है, इसके साथ भी आपके प्लॉट्स लगे हुए हैं। अथॉरिटी ग्राउंड पे काम कर रही है मगर काफी धीरे। ये प्लांट लगाया हुआ है यमुना अथॉरिटी ने अपना मटेरियल प्लांट, जहां आपके प्लॉट नंबर फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी देख पा रहे हैं, ये फैसिलिटी है। और इसके साथ जो प्लॉट नंबर लगे हुए हैं साथी, वो लगे हुए हैं आपका 789 से लेके 793 और 794 से लेके 808 वाली सीरीज, ये वो प्लॉट्स है साथियों। इसके साथ अभी अगर हम बात करें तो हम आपको अब पूरी चीज दिखाएंगे। यहां से देखिए किसान खेती भी कर रहा है, वहीं इस पॉकेट के अंदर 6 से ज्यादा बड़े पार्क है इस पॉकेट के अंदर, तो पॉकेट का डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कर पाई है साथियों। 360 पे अगर आप देखें तो आप देख पा रहे हैं अथॉरिटी की तरफ से कोई भी पार्क का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है, रोड की कनेक्टिविटी पूरी नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो आप एम पॉकेट से निकल के यहाँ तक आ सकते हैं, मगर पूरी रोड पूरी कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी आपके प्लॉट तक की, क्योंकि काफी कॉल और काफी मैसेज हमारे पास आते हैं कि हमारे प्लॉट कहाँ पर है या आप बता दीजिए। तो साथियों देखिए इस खेत के अंदर आपका प्लॉट ढूंढना हमारे लिए भी एक चैलेंज है, मगर हम कोशिश करते हैं कि आपका प्लॉट आप तक पहुंचा पाए। सामने आप जो वाटर टंकी देख रहे हैं, ये वाटर टंकी आपका पी पॉकेट और एन पॉकेट के डिवाइडिंग पर है साथियों। तो देखिए अब हम ये आपको जो दिखा रहे हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन चलता आ रहा है, रोड का काम होता हुआ आगे एन पॉकेट की तरफ चल रहा है, रोड को पक्का कुछ दिन में कर दिया जाएगा। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्लॉट्स हैं वो जल्द उम्मीद है लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो सीरीज आएगी आपके प्लॉट की वो सीरीज आ रही है आपकी यहाँ पर 651 से लेके 665 और 666 से लेके 680 वाली सीरीज। इसके साथ बात करें तो 711 से लेके 724, 725 से लेके 738, तो ये वो सीरीज के प्लॉट है साथियों। तो आप इस चीज से समझ पाए कि जल्द अथॉरिटी को अब अपना ग्राउंड पर काम करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें तो साथियों अभी हम खड़े हुए हैं आपका ओ पॉकेट और एम पॉकेट, एन पॉकेट और पी पॉकेट के डिवाइडिंग रोड पर। ये साथियों ये आपका 18 मीटर वाला रोड है, ये आपका यहां पे चौराहा बनेगा, यहां से आपकी पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी एन पॉकेट के साथ और एम पॉकेट, ओ पॉकेट और पी पॉकेट। देखिए ये इतने हिस्से में पूरे में खेती हो रही है। जिन अलोटी भाइयों की ये क्वेरी थी कि एन पॉकेट का डेवलपमेंट कर दीजिए, दिखा दीजिए या समझा दीजिए, तो आपको ये वीडियो अब मदद करेगी कि प्लॉट्स आपके लगे हैं या नहीं लगे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, कोशिश करेंगे कि अगर आपका प्लॉट लगा है तो आपको बता पाएंगे, या अन्यथा आप चाहते हैं कि आपका प्लॉट लग चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है और उसके ऊपर हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। तो साथियों आप जानते हैं मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के मजबूत वर्क आपको यहां देखने को मिलेंगे, चाहे वो सेक्टर 18 हो या सेक्टर 20, सबसे मजबूत वर्क मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी लोकलिटी है, लोकल है हम यहाँ के रहने वाले, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर मशीनरी, सब चीज अवेलेबल है साथियों। आपके घर की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं तो मजबूत काम आपको करके ग्राउंड पर देंगे सबसे सही रेट में, और सबसे मजबूत वर्क की गारंटी मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन की यहां पर रहेगी साथियों। ये एन पॉकेट, एन पॉकेट का पूरा डेवलपमेंट आज आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगा साथियों। तो साथियों आपको एन पॉकेट दिखाई, एम पॉकेट का पूरा डेवलपमेंट समझाया, साथ में जो पॉकेट्स लगी है उनके बारे में भी आपको दिखाने की कोशिश करी और बताया भी। अब सबसे ज्यादा साथियों जो क्वेरी आ रही थी वो यही आ रही थी कि पॉकेट के अंदर डेवलपमेंट कितना हुआ, वो आपको क्लियर हो चुका है। अब साथियों अगर आप कंस्ट्रक्शन का भी प्लान कर रहे हैं एन पॉकेट के अंदर, अगर आपको लगता है कि आपकी रजिस्ट्री जो हुई थी उसका समय 31/12/2024 को समाप्त हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं उसके बाद अथॉरिटी पेनल्टी ले रही है।
अगर पेनल्टी से आप बचना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि पेनल्टी के अंदर ही हम अपना कंस्ट्रक्शन करवा लें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के साथ। साथियों, ग्राउंड पर सबसे ज्यादा कार्य आपको देखने को मिलेंगे, वही हमारी लोकलिटी है साथियों, हम यहीं रहते हैं और वहीं हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स मशीनरी सब चीज हमारे पास अवेलेबल है। आपको मजबूत काम मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ से ही देखने को मिलेगा, चाहे वो सेक्टर 18 हो या सेक्टर 20 हो। साथियों, दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, चाहे अगर आप हमारे ऑफिस का विजिट करना चाहते हैं तो। साथियों, हमारा ऑफिस यमुना अथॉरिटी के पास में ही है, एसएनजी प्लाजा के अंदर। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के साथ में एसएनजी प्लाजा है राइट साइड में, उसमें हमारा ऑफिस नंबर 35 है, मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन के बारे में, सेल परचेज, किसी भी तरह की जानकारी जो यमुना अथॉरिटी से जुड़ी हुई चीज है, चाहे वो फिजिकल पोजिशन हो या कोई भी चीज, आप हमारे ऑफिस आके विजिट करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। और कोशिश करें साथियों कि अगर आपका एन पॉकेट के अंदर प्लॉट है तो जब भी आप आ रहे हैं, आप अपने प्लॉट तक पहुंचना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी थोड़ी, आप भी जानते हैं ऐसी है, प्लॉट तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो आप एम पॉकेट से निकल के जाते हैं। तो एम पॉकेट में ये हमारा एम पॉकेट का 304 नंबर का प्लॉट है सेक्टर 20 के अंदर, इस रोड से ही आप अपने प्लॉट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये रोड पार लास्ट 900 प्लॉट तक आपको लेके जा सकता है। तो आपको एम पॉकेट में से निकल के आप अपनी पॉकेट तक जा सकते हैं साथियों। तो ये जो जानकारी थी आज एन पॉकेट के लिए थी, काफी कॉल थी, तो ये कोशिश करी हमने कि आपको एन पॉकेट का डेवलपमेंट पता चल पाए साथियों। तो आज इस वीडियो को करेंगे ही समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।